कैसी रही आप सभी की यात्रा? वासु, तुम कहाँ गए थे? सरपंच जी, हम पर्वत प्रदेश गए थे। पर्वत, नदियाँ, वादियाँ तो बहुत सुंदर थी और बर्फ से ढकी हुई थी, मगर वहाँ पर भी बहुत सारी मुश्किल थी। हमने उन ऊंचे और शांत पर्वतों को दरकते हुए भी देखा है, लेकिन वहाँ के लोग इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। और तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हम जंगल गए थे, वहाँ के हरे भरे पेड़, ठंडी हवाएं, चहचहाते पक्षी, वहाँ सब कुछ है। और वहाँ के निवासी लोग भी बहुत मिलनसार हैं, लेकिन क्या? अंधेरा होते ही यह जंगल बहुत भयानक हो जाता है। अच्छा, और तुम लोग तो बेहद थके हुए लग रहे हो, तुम लोग कहाँ गए थे? हम रेगिस्तान से आ रहे हैं, बड़ी धूप और गर्मी थी वहाँ, और पानी भी नहीं था। दिन में भयानक गर्मी और रात में बेहद ठंड, पर ऐसी कठिन परिस्थितियों में लोग कैसे कम चीजों के साथ जीना जानते हैं, ये तो उन लोगों से ही सीखो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तुम लोग भी तो कुछ बताओ। सरपंच जी, हम जहाँ गए थे वहाँ दूर दूर तक खेत लहलहा रहे थे और लोग किसानी को भी त्योहारों की तरह मना रहे थे। फिर तो वही जगह सबसे उत्तम होगी। जगह तो बहुत अच्छी थी, पर वहाँ गाड़ियों और शहरों का प्रदूषण ने हवा और पानी को बहुत दूषित कर दिया है, वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। अच्छा, तो तुम लोगों को तो जरूर कोई अच्छी जगह मिली होगी। जगह तो उत्तम थी, समुद्र का वह किनारा, रेत का मैदान और वह कार्निवल, वहाँ के लोग बहुत खुश दिखे हमें। चलो, कोई तो जगह मिली हमारे रहने के लिए। नहीं नहीं सरपंच जी, वहाँ पर भी लोगों को तूफान और आंधी का सामना करना पड़ता है। अरे भाई, सब शांत हो जाओ, मैं पहले तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया में हर जगह की एक खासियत है और साथ में वहाँ की अपनी समस्याएं। चलो, तुम सब जाकर आराम कर लो, थक गए होगे। कहाँ जा रहे हो तुम सब? यह तो बताओ, मेरी तस्वीर के लिए कुछ रंग लाए हो कि नहीं? अरे देखो, यह तस्वीर तो पूरी हो गई है और कितनी सुंदर लग रही है। अरे, यह तो वही पर्वत है जहाँ हम गए थे, खेत भी वही है और वही सुंदर समुद्र का किनारा, पर चित्रकार कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया? मैं यही हूँ। मैं तो कण कण में हूँ, तुम सभी में हो। यह चित्र मेरी ही रचना है, मैंने संसार को सुंदर और सिद्ध बनाया, मैंने आकाश को ऊंचा उठाया, धरती को उपजाऊ बनाया और इसे जीवन से भर दिया। मैंने तुम्हें इस संसार के लिए बनाया है, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संसार का कैसे उपयोग करते हो और अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हो। यदि तुम इसे सहेज कर रखोगे तो यह तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भरपूर फल देंगे, लेकिन यदि तुम इसे नष्ट करो तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह धरती तुम्हारी है, तुम्हारा घर, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसा रूप देते हो। इसे समझदारी से उपयोग करो, एक ऐसा स्थान बनाओ जहां हर चीज का कल्याण हो और तुम्हारे जीवन में संतुलन बना रहे। अच्छा, बड़े चित्रकार ईश्वर थे।